नाजरीन आदाब, में हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं ASJ न्यूज़। नाजरीन, आज की नशरियात में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए पेश है आज की अहम खबर। IPS प्रोबेशनर्स के 70वीं बैच के बेस्ट ऑलराउंडर बिहार से ताल्लुक रखने वाले गौस आलम को वजीर आजम बेटन और वजीर दाखिला रेवाल्वर का एजाज रचा टूमर को ट्रॉफी अता की गई। इस सिलसिले में एक तकरीब सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी वाक़े शिरोमपल्ली में मुनक़द की गई थी, जहां वजीर दाखिला अमित शाह के हाथों ये एजाज से नवाजा गया। नौजवानों को सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाय करने के बजाय तालीम पर तवज्जो देने का गौस आलम IPS ने नौजवानों को मशवरा दिया। वाज़े हो कि गौस आलम IPS जिनकी आबाई रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, ताहम वो दिल्ली में सुकूनत इख्तियार करते हुए दिल्ली ही में अपनी तालीम मुकम्मल करते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। बाद अज़ां वो सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में शिरकत करते हुए अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के ज़रिए उनका IPS के लिए इंतखाब अमल में आया था। तो नाज़रीन देखते रहिए ASJ न्यूज़, चीफ़ एडिटर मोहम्मद जावेद की ये रिपोर्ट।